मेरा सवाल है, मुझे ओवर थिंकिंग की बहुत प्रॉब्लम है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ जिसकी वजह से मेरी मैरिड लाइफ बहुत इफेक्ट होती है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सब कुछ अच्छा है अल्लाह की तमाम नेमतों, उन तमाम नेमतों का मैं फायदा नहीं उठा पाती अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से। और ये मेरे शौहर भी बहुत इफेक्ट होते हैं, और अगर ये ओवर थिंकिंग मेरी लाइफ से निकाल दी जाए तो मेरी लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वैसी है जैसी एक लड़की ख्वाब देखती है अपनी शादीशुदा जिंदगी को माशाल्लाह जीने का। लेकिन सिर्फ इस माशाल्लाह, वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम है, इतनी प्रॉब्लम है कि मैं बता नहीं सकती। ये जो ओवर थिंकिंग है, ये क्या आप बता सकती हैं किन चीजों के बारे में, किस तरह के ख्यालात ज्यादा आते हैं या किन चीजों के बारे में आप ज्यादा सोचती हैं? जैसे अगर हर्ज ना हो बताने में आपको, तो और अगर मेरे पब्लिकली शोहर बताने के में, भी साथ होंगे। जी हाँ, आवाज नहीं आ रही आपकी। किस चीज के बारे में? हेलो, जी सुन आवाज आ रहे हैं रही? हम। जी हेलो, जी आवाज आ रही है, आप बोलें। आप किस चीज के बारे में ओवर थिंकिंग करती हैं? ओवर थिंकिंग, एक्स्ट्रा केयरिंग अपने शौहर के बारे में, डर लगता रहता है वो आते जाते हैं बाहर, उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचती हूँ, और अपने बच्चों के बारे में, और इस बारे में भी अपने शौहर को किसी और के साथ इमेजिन करके वो बहुत ज्यादा मुझे उस तकलीफ से गुजरना पड़ता है, उससे बहुत इफेक्ट होता है मुझे, बहुत मतलब मेरी दुनिया और आखिरत पे आ जाती है बात, इतना ज्यादा होता है। देखिए, दो तीन बातें मैं बताना चाहता हूं आपको बतौर नसीहत। पहली बात तो ये कि ये इसको वसवसा कहा जाता है, इसको हदीस की जबान में, शरीयत की जबान में वसवसा कहा जाता है। तो वसवसा और वहम का आना अक्सर अवकात में ईमान की अलामत होती है। ईमान की अलामत क्यों होती है? क्योंकि वसवसा उसी इंसान को ज्यादा आएगा जो साहिब ईमान होगा, क्योंकि वसवसा शैतान की जानिब से होता है। शैतान जो पहले से गुमराह है, भटका हुआ है, शैतान उसके पास क्यों जाएगा? शैतान किसी राहे रास्त पर चलने वाले आदमी के दिल में वसवसा डालना चाहेगा। मेरी आवाज आ रही है अभिषेक, शेख हाशिम? अभिषेक ब्रेक हुआ था, थोड़ी सी आवाज ब्रेक हुई थी। हाँ, शैतान जी, एक देखिए, जब कोई आदमी अच्छी जिंदगी गुजार रहा होता है, सआदत वाली, खुशी वाली जिंदगी गुजार रहा होता है, तो शैतान, ये हमारा दुश्मन है, वो नहीं चाहता है कि कोई इंसान सआदतमंद रहे। अगर आप सआदतमंद रहेंगी तो अच्छे से इबादत करेंगी, बहुत सारे नेक काम करेंगी, अपने काम पे आप तवज्जो दे पाएंगी, बहुत सारी अच्छी चीजें करेंगी। लेकिन जब आपकी के अंदर वसवसा आएगा, आपकी तवज्जो भटकेगी, तो बहुत सारे चीजों से आप महरूम रह जाएंगी, और आप जो है वो जो सआदत वाली जिंदगी गुजार रही हैं उससे महरूम हो जाएंगी, और ये शैतान चाहता है। तो आप सबसे पहले दिमाग में ये लाइए कि ये शैतान की जानिब से है। इसको अच्छी तरह समझ लें कि ये शैतान नहीं चाहता है कि मैं खुश रहूं। अब उस शैतान को आपको धुतकारना है। उसका तरीका यह है, सबसे पहले आप जो है ज्यादा से ज्यादा इस्तेआज़ा पढ़िए, अऊज़ बिल्लाह मिनश शैतान रजीम। जैसे ही वसवसा आना आपको शुरू हो, फौरन आप पढ़ने लगे अऊज़ बिल्लाह मिनश शैतान रजीम। आप कुरान की जो मुअव्वज़ात हैं, कुल अऊज़ बिरब्बिन नास, कुल अऊज़ बिरब्बिल फलक, वो आप कसरत से पढ़िए। आप कुरान पढ़िए कसरत से, आप कसरत से इस्तिग़फ़ार कीजिए, कसरत से जिक्र अज़कार कीजिए, दुआएं कीजिए कसरत से। जितना वसवसा डाले आप उतना ज्यादा इबादत कीजिए, उतना ज्यादा इस्तगफार पढ़िए। वो थोड़े दिन के बाद वो इंशाल्लाह खुद ही भाग जाएगा। जितना ज्यादा वसवसा आए, आप ये तहैया कर लीजिए कि जैसे वसवसा आएगा मैं बैठ करके इस्तगफार करना शुरू कर दूंगी, 1 घंटा इस्तगफार करूंगी। और शैतान ये कभी नहीं चाहेगा कि आप इस्तगफार करें, इस्तआजा पढ़ें। तो ये दूसरा काम आप करें। तीसरी बात, आप वसवसे को ऐसे माने जैसे वो कोई चीज है ही नहीं।
बिल्कुल नहीं। अगर दिमाग में आए आप समझे वो कुछ भी नहीं है, और हकीकत में वो कुछ भी नहीं है। वसवसा मतलब कुछ नहीं, वो सिर्फ आपके दिमाग का जो है इमेजिन करती हैं आप, और उसकी उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप दुआओं के जरिया, इस्तिग़फ़ार के जरिया, इस्तेआज़ा के जरिया और अपने माइंड पर कंट्रोल करके इस पर काबू पा सकती हैं। ये कुछ भी नहीं है और इसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा सुबह शाम के अज़कार पढ़िए, दुआएं पढ़िए, जिक्र अज़कार कीजिए, इंशाल्लाह ये चीज खत्म हो जाएगी। कुछ भी नहीं है। और सोचने का मतलब है कि आदमी जितना ज्यादा डीप में जाएगा उतना ज्यादा वो सोच आदमी उस बैठ के सोचेगा कि चलो अब मैं नहीं सोचूंगा, फिर वो सोचना शुरू करेगा उसको। तो इसकी कोई हकीकत नहीं है। आपको परेशान होने आप ये मत समझे मैं बहुत परेशान हूं, कुछ नहीं परेशान है। आप खुश खुर्रम है जैसा कि आपने बताया, कुछ भी मत सोचिए। जी शेख, जज़ाकअल्लाह खैर, बारकअल्लाह फीक।